आज हम सीखेंगे कि कैनरा बैंक जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसका एटीएम कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह भरते हैं। यानी कि अगर आपके पास कैनरा बैंक का एटीएम कार्ड नहीं है और आप चाहते कि हो, तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह भरते हैं, हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वेल, मैंने ये ऑनलाइन डाउनलोड किया इसकी साइट से। ये इस तरह का फॉर्म आप बैंक से भी ले सकते हैं अगर आप बैंक जाएँ तो। देखने से क्या क्या एंट्रीज आपको भरनी होती है, तो यहाँ पर फॉर्म लिखा है, यहाँ अपना नाम लिख दीजिएगा और यहाँ आपको वो नाम देना जिस नाम से आपका अकाउंट चलता है कैनरा बैंक में। यहाँ नीचे आप अपना एड्रेस दे सकते हैं, टू दिया है कैनरा बैंक, ब्रांच का नाम दे दीजिए जिस ब्रांच से आप अप्लाई करना चाहते हैं, डेट डाल दीजिए उस दिन जिस दिन भी आप फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पे दे रखा है कि रिक्वेस्ट फॉर इशू ऑफ कैनरा बैंक पर्सनलाइज डेबिट कार्ड, तो यहाँ न्यू, क्योंकि नया अकाउंट अगर आप हैं तो न्यू पे टिक लगाइए, या अगर इसके अलावा अगर रिप्लेसमेंट चाहते हैं एक्सपायर हो गया है तो आप रिप्लेसमेंट, या अगर आप एडिशनल कोई तरह का चाहते हैं तो एडिशनल में टिक लगा सकते हैं। यहाँ वीज़ा मास्टर कार्ड और रुपए, इन तीन तरह के डेबिट कार्ड है, जो भी आपको चाहिए उसमें टिक लगा सकते हैं, और इंडियन के पर्पज़ से चाहिए तो डोमेस्टिक यूजर्स में लगा सकते हैं टिक। यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट में अपना नाम लिख दीजिएगा जिस नाम से अकाउंट चलता है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा अपनी, पैन नंबर, पैन कार्ड का नंबर जो भी आपका है वो आप यहाँ पे खानों में भर दीजिएगा, मोबाइल नंबर जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने बैंक में दिया है खाता खोलने के टाइम, वो नंबर आप यहाँ पे भर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको वो नाम डालना है जो नाम आप चाहते हैं आपके डेबिट कार्ड में छपे। पहले पहली बता दूँगा, पर्सनल डेबिट कार्ड वो होते हैं जिसमें बकायदा आपका नाम छपा होता है, तो जो भी नाम आप चाहते हैं आपके डेबिट कार्ड कैनरा बैंक के डेबिट कार्ड में छपा हो, तो वो नाम आपको हूबहू डाल देना, वही नाम आपके डेबिट कार्ड पर छपेगा प्रिंटिंग के बाद। यहाँ आपसे पूछा कि किस टाइप का अकाउंट है, सेविंग है, करंट अकाउंट है, ओडी है, तो यहाँ सेविंग बैंक है, अपना अकाउंट नंबर लिख दीजिएगा, दो से तीन बार चेक करने के बाद तो पेज वन पूरी तरह से भर चुका है। फिर पेज टू में टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सब टर्म्स एंड कंडीशन है, ये आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ नीचे एक तरह से एप्लीकेशन के तौर पर यहाँ पर अपना आपको सिग्नेचर कर देना है, और सिग्नेचर वो करना है जो आपने बैंक में दिया था एट द टाइम अकाउंट ओपनिंग के टाइम, और यहाँ पर ऑफिस यूज़ करना है ये सब आपको नहीं बनना है, डेबिट कार्ड नंबर डेट ये बैंक ऑप्शन आपके बिहाफ बनेंगे, तो बस इतना ही करना है। इतना करने के बाद आपको बैंक में जमा कर देना है फॉर्म, एक हफ्ते के अंदर आपने जो भी एड्रेस बैंक को दे रखा है उस एड्रेस पे आपको आपका डेबिट कार्ड दे पहुँचा दिया जाएगा कोरियर के थ्रू, और उसके बाद पिन के लिए आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वहाँ से आप पिन एटीएम का जनरेट कर सकते हैं खुद ब खुद एटीएम में कार्ड में जाके। वेल, ये था फॉर्म। वेल, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। आज के नए फिलहाल इतने, फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।